उन मेरे प्यारे दोस्तों, और एक मिनट, हाँ इसको लगा लें अच्छी तरह। ये आई थिंक लेडी गागा दीदी हैं। आई एम कमिंग होम, सो यू कैन प्लीज गेट दिस पार्टी स्टार्टेड, बट आई एम नॉट कमिंग होम फॉर द पार्टी, आई एम गोइंग फॉर द लंच। और ये ठीक लगा है, सीधा लग रहा है, अब मैं भी अच्छा दिख रहा हूँ उस मोड में। सॉरी, हाँ उस मोड में लफड़ा यही हुआ है, फाइनली जो भी लगा मोड सो लग गया उसमें। जब टेढ़ा करा मैंने तो सोचा कि वैसे ही आएगा लैंडस्केप में, बट वो पोर्ट्रेट में ही चलता रहा, और पूरी वीडियो को फिर उठा के 16 मिनट की वीडियो को मुझे बनाना पड़ा। एक मिनट यार, 16 मिनट की वीडियो को बनाना पड़ा मुझे इनशॉट में। इनशॉट बहुत अच्छा वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर है, और सबसे अच्छी बात है फ्री है, ठीक है। दूसरी सबसे अच्छी बात है कि बस आपको 30 सेकंड का कुछ एडवर्ट देखना है। सबका भला सबका विकास, इसी लॉजिक से। तो बस 30 सेकंड की वीडियो देखिए, उनकी कुछ ना कुछ जो एडवर्टीजमेंट वाले हैं, और आप मस्ती में अपने फ्री में अपलोड करिए, सेव करिए, बहुत बढ़िया। काइंड मास्टर भी अच्छा ऑप्शन है, नो डाउट, फ्री में उसके प्रीमियम सर्विसेज भी बढ़िया हैं, नॉट टू डिनाई द फैक्ट। बट अभी प्रीमियम का सोचा ही नहीं, कभी सोचेंगे कभी, लेकिन अभी तो ऐसी चल रही गाड़ी तो चला रहे। तो अच्छा रहा दिन अभी तक, हाफ डे ओवर, और इंटरेस्टिंगली कई चीज़ें पता चली। IRCTC का बड़ा अच्छा वो है कस्टमर सपोर्ट, मैंने उनको मेल किया और उनने जवाब दे दिया। उनने कहा ठीक है, हम इस पर आपकी रिक्वेस्ट नंबर बन गई क्वेरी पे ध्यान देंगे कि आपके जो पैसे कटे हैं वो वैसे 2-3 दिन में रिफंड हो जाते हैं, कोई बात नहीं, बट द थिंग इज़ कि वो आपको बता देंगे। मतलब एज एन ईमेल पे रिस्पॉन्स आ गए, वही बड़ी बात थी। मे बी मैं ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहा था इंडियन कस्टमर सपोर्ट और इंडियन रेलवे को, बट नहीं, अभी काफ़ी वक्त बदल गया है, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो गई, जो 10-15 साल पहले नहीं दिखता था। और पहले आपको, बिकॉज अब क्या है, IT सपोर्ट हर चीज़ का, हर ऑर्गेनाइजेशन की एक बैक टीम है। आज संडे है, आज इंडिया में छुट्टी है, बट आई स्टिल हैड अ रिस्पॉन्स, और यही सबसे खूबसूरत बात थी। तो बहरहाल वो करा तो उनको भी भेज दिया, लेट अस सी कि क्या आता है उनका रिस्पॉन्स। वैसे 2-3 दिन में तो आ ही जाते हैं पैसे वापस अकाउंट में, होपिंग फॉर द बेस्ट। जैसे थोड़े पसीने में बन रही है वीडियो, बट नेवर माइंड, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो अच्छी बने, और क्योंकि दोनों तरफ की जो हवा है ना वो बंद है, इसको बीच में लगाने से दोनों तरफ की हवा बंद है। पता नहीं, कुछ ना कुछ जुगाड़ में निकालूंगा जिसमें हवा भी आती रहे मुझे, क्योंकि गर्मी अच्छी खासी भीषण है, और साथ साथ वीडियो भी लॉगिंग भी होती रहे। और बाकी बड़ी यूनिक वेबसाइट आई जस्ट स्टम्बल्ड अपॉन, उसका नाम है, क्या नाम है, वॉन्डर करके है, वॉन्डर ट्रैवल वॉन्डर। तो ये कई लोगों ने, 8-10 लोग मिले थे कहीं, पता नहीं बर्निंग मैन फेस्टिवल थी यूरोप में या US में, और फिर उनके माइंड में ऐसा है कि यार ऐसी वेबसाइट बनाएं जिसमें सस्ते रहें टिकट पड़े लोगों को, जो ट्रैवल खुद करना चाहते हैं बट टिकट्स के चलते कर नहीं पाते। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वेबसाइट थी वो, उसका नाम मुझे वॉन्डर लू, यानी ट्रैवल वॉन्डर या वॉन्डर फ्लाइट करके है, बड़ा अच्छा है। वो मैं अपने इंस्टा या टेक देख द एग्जिट जो पेज है उस पर आप लोगों से शेयर कर दूंगा, तो यू कैन लुक इन टू दैट। और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है, एज इन वेरी इंपॉर्टेंट बात बताई गई, और वो थी कि जब भी टिकट्स बुक करें तो मोर ऑफ्टन देन नॉट आपको ये अपॉर्चुनिटी रहेगी टू उसी ब्राउज़र में इनकोनीटो, एक्चुअली इसको स्पेल करूँ तो मैं तो इनकोग्निटो कहूँगा, बट मेरी मर्ज़ी, बिकॉज आई एम एशियन and English is not my mother tongue, which is a funny thing also ki the entire India speaks English very fluently compared to most of the Europeans, theek hai, pure Europe mein jitni achhi tarah aur jitni grammar ke sath confidently India mein log English mein baat karte hain shayad world mein bahut kam jagah karte honge, especially European mein aur baki jo countries honge Southeast Asia ki, but anyway we still have to give the IELTS exam if you have to get into the universities or immigration there, which is also very ironic. अब क्या बोला जाए। तो बहरहाल, तो इनकोग्निटो,
इज वॉट इट इज नोन एज. तो आप ब्राउजर में जाएंगे अपने और तीन डॉट पड़ी होती होती है राइट हैंड साइड ऑफ द ब्राउजर पेज. समझ लीजिए क्रोम खोला आपने, गूगल क्रोम का मुझे आइडिया है, माइक्रोसॉफ्ट एज का नहीं. तो उसमें तीन डॉट होती है, वो तीन डॉट क्लिक करेंगे आप, उसमें आएगा ओपन ब्राउजर इन इनकॉग्निटो. ठीक है, INCOGNITO. तो उससे क्या होता है कि आप बेसिकली इनकॉग्निटो मोड में चले जाते हो. इनकॉग्निटो मोड का एडवांटेज क्या है, इट्स वेरी क्यूट वर्ड ना इनकॉग्निटो, और इनकॉग्निटो साउंड्स वेरी रोबस्ट एंड नाइस. एनीवे, तो आप उस पेज में चले जाते हैं तो आपका आईपी एड्रेस, आप कहाँ से ब्राउज कर रहे हैं वो पता नहीं चलता है. तो स्पेशली जब आप एयरलाइंस टिकट बुक कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो आपका आईपी एड्रेस इनके एआई, जो एयरलाइंस के जितने भी ब्राउजर्स वगैरह हैं ना, आप एक बार जाइए, दो बार जाइए और उसके बाद फिर आप मत जाइए, कोई और ब्राउजर में खोलेंगे तो वो आपको बीच में फीडबैक आता होता है, ट्रैवल टू दिस प्लेस, ट्रैवल टू. तो आप सोचते हो यार इसको कैसे पता, होटल के बारे में बताएगा, कार रेंटल के बारे में बताएगा. आप कंफ्यूज की, अरे यार मैंने तो ये डिटेल शेयर करी नहीं, ये मतलब इज इट रीडिंग माई माइंड. यस, इट्स एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इट्स नॉट रीडिंग योर माइंड, इट इज रीडिंग योर सोल ऑल्सो. मतलब आप सोचें कि एक सेकेंड, हाँ जब हवा आ ही नहीं रही है तो फिर बेकार में आवाज़ का भी हो क्यों. अब ठीक है, आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, पीछे नहीं तो वो फैन चल रहा होगा, खूब बड़ा सा फैन जो एक मूवी में था उसकी, टॉम क्रूज की, मुझे याद है कौन सी थी, मम्मी रिटर्न्स. फिलहाल ये जो दचके आपको लग रहे हैं ना, अब देखिए आया फिर. तो ये जो ऊँट वाली सफारी हो रही है यहाँ इस कार में, उसका कारण ये है कि ये ब्रिज के ऊपर इन लोगों ने चैनल बनाया. कि बारिश तो यहाँ बहुत कम होती है, लेकिन जब होती है तब कसम खुदा की बिल्कुल आफत मचा देती है. तो दैट इज़ द थिंग. तो वो बनाए हुए थोड़े इन वेजेस, ठीक है, तो उसमें से पानी ड्रेन हो जाएगा और द फ्लाई ओवर के ऊपर पानी कलेक्ट नहीं होगा. खैर ऊपर तो होना भी नहीं चाहिए वैसे, बट वो नीचे चले जाएगा. तो नीचे आपको अच्छा खासा फ्री का शार मिल जाएगा, ना लीजिए. सो वो अच्छा तरीका है इनकॉग्निटो जाके आराम से ब्राउज करें. और कहते हैं टिकट में फ़र्क पड़ जाता है, तो मैंने अभी देखा तो थोड़ा ही फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है. सो कि कुछ और बड़ी यूनिक चीज़ें मुझे जो समझ में आई हैं कि इन टर्म्स ऑफ व्हेनेवर यू बुक अ टिकट, ट्यूसडे वेडनेसडे को बुक करें टिकट तो हमेशा सस्ता पड़ता है. अब वो ऐसा क्या लॉजिक है, वो बेसिकली नंबर ऑफ persons will not be ट्रैवलिंग. समझ लो सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, 100% are ट्रैवलिंग ओवर वीकेंड, तो 30 will be ट्रैवलिंग ड्यूरिंग द वीकडे. तो एयरलाइंस ऑल्सो दे लुक एट मेकिंग सम प्रॉफिट आउट ऑफ होम से एवरेज ट्रैवलिंग, है ना. सो उनके रेट्स थोड़े से रीजनेबल होते हैं उस समय. बाकी बढ़िया है, अभी भी गर्मी तो है लेकिन नॉट बैड. अभी सिर्फ एक ही एसी चल रहा है और पसीने नहीं आ रहे हैं, सो नॉट बैड. आई वाज थिंकिंग जिस तरीके से इस 3-ton हंक ऑफ स्टील में जब मैं एंटर करा था तो मुझे लग रहा था कि काफ़ी गर्म हो जाएगा, बट आई कैन एक्चुअली डू अ मच बेटर वीडियो लॉग जिसमें मेरी आवाज़ क्लियरली आप लोगों को सुनाई दे रही होगी, है ना. दमाम में कुछ टाइम पहले इन लोगों ने बसेस शुरू करी हैं, काफ़ी अच्छी हैं. दीज आर लाइक फॉर द टूरिस्ट और ये पूरे सिटी को कनेक्ट करती है खोबा टू दमाम. फेयर ऑल्सो कहीं भी जाना है सिर्फ मात्र 3.5 रियाल है, मतलब टैक्सीज विल कॉस्ट यू 20 और हिच हाइक टैक्सीज जो होती हैं जिसमें और मल्टीपल लोग बैठे होते हैं, 4-5 आपकी इंडिविजुअल नहीं प्राइवेट हायर नहीं, दैट विल कॉस्ट यू 15, बट दीज आर लाइक 3.5 रियाल और बल्ले बल्ले. अच्छा हिसाब है, आई लाइक इट. इसकी भी एक बार वीडियो बनाएंगे, बस वो टाइम मिल जाएगा तो बिल्कुल डेफिनेटली आपसे शेयर करेंगे. तो अच्छे खासे बड़े हम पे भी बैलेंस बीच में सही हो. नीचे कुशन है ना इसके, ये जो आप देख रहे हैं फोन लगा हुआ है, इसके नीचे एक कुशन जैसा है तो उस पर वो सपोर्ट दिया हुआ है. साइड में वो ऑप्शन नहीं, इसलिए वहां गिर से गिर जाता है. तो आप लोगों के भी पास अपॉर्चुनिटी है टेक दी एग्जिट, जो हमारा फेसबुक पेज है और इंस्टा का पेज है,
आई एम श्योर फेसबुक पे तो आप आके पोस्ट कर सकते हैं, आप डायरेक्ट पोस्ट कर दें उस पर, या फिर जैसा आपको समझ में आए, या आप मुझसे शेयर कर लें कि भैया हम आपके उसमें चाहते हैं, तो मैं आपको कंट्रीब्यूटर की तरह ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, सो आपके पास ऑप्शन है। यूट्यूब तो ऑब्वियसली स्पेसिफिक, जिसका जो चैनल है वही कर सकता है, बट फेसबुक पेज पे आप आराम से पोस्ट कर सकते हैं। मैं आपको कंट्रीब्यूटर का वो दे दूँगा एज इन द राइट्स, और आराम से आप अपनी ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करें तो अच्छा रहेगा। और फेसबुक को हमने बनाया भी ऐसा, ऐसी टाइप से फेसबुक का जो पेज है ना, ये देखिए जो पीछे जो है पागल ऑन बजा रहा है, क्योंकि आगे वाला मेरे जा नहीं रहा है और मैं कुछ कर नहीं सकता। वो तभी जाएगा यू टर्न पे जब वो खाली होगा, जब तक खाली नहीं होगा तो कैसे जाएगा। वो हॉर्न बजाता रहेगा इस समय ट्रैवल, ये इसको कहते हैं रोड रेज, इसको बहुत जल्दी, तो तू यू टर्न पे क्यों आया भाई, तू भी कहीं और से आता। और इसकी जल्दी का ध्यान मैं थोड़ा ना रखूँगा, आपको अपनी सेफ्टी रखनी। रोड रेज पे बिल्कुल रिएक्ट नहीं करिए, कुछ नहीं होगा, एब्सोल्युटली कुछ नहीं होगा। अगर ये पागल होगा तो ये आपकी गाड़ी को छू देगा, फिर आप पुलिस को बुलाएंगे और इस पर इंश्योरेंस इसी पर आएगा, तो वो कभी ऐसा नहीं करेगा। बट वो डराएगा कैसे आपको, और आपको पैनिक मोड में कैसे डालेगा, हॉर्न बजा बजा के धम 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 हॉर्न बजाता रहेगा और कुछ नहीं करेगा, तो कुछ नहीं कर सकता। हमेशा याद रखिए वो आपके अंदर, मतलब आपकी गाड़ी के अंदर नहीं घुस जाएगा, ठीक है ना। तो रोड रेज में हमेशा जैसी कोई एक हॉर्न बजाए, आप एक लंबी सांस लीजिए ऐसे, फिर एक और हॉर्न बजाए, फिर एक और लंबी सांस लीजिए, तो ऐसे करके, तो इससे आप भी सुकून से बैठे होंगे। और ब्रीदिंग के बारे में कहा भी जाता है कि कॉन्शियस ब्रीदिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रीदिंग। हम लोग जैसे मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ या हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, वो सब ब्रीदिंग क्या है, वो अनकॉन्शियस लेवल पे हो रही है, उसका फ़ायदा उतना नहीं होता। फ़ायदा होता ऑब्वियसली दैट यू आर अलाइव एंड यू आर ब्रीदिंग, बट सबसे बड़ा फ़ायदा है, आगे नहीं दिख रहा वो, देखो गधे की तरह बजाता रहता है। खैर वैसे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम अपनी स्पीड से चलेंगे, जिस सुधारते जाना चले उड़ के चले जाए, तो कार छोड़ दे और प्लेन खरीद ले। वो कहते हैं ना बंदर के हाथ में स्टेन गन, वो फिर भी तमीज से चला लेगा, लेकिन इंसानों के हाथ में जब कोई एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है ना, जिससे उनको लगता है कि पावर मिल गई, और तो उसके साथ एक बड़ा अच्छा छोटा सा पैकेज आता है, उसका नाम है घमंड का पैकेज, तो वो घमंड का जो पैकेज है उसका कोई भी हिसाब नहीं भाई, वो आपको बिल्कुल मतलब तबाही करके ही चैन लेगा। तो खैर इसलिए कई बार मैं सोचता हूँ ये जो मेरा पर्टिकुलर वीडियो लॉग है, ब्लॉग है, वीलॉग, तो इसमें क्या है कि मतलब आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं कर सकते वो एसोसिएट। आप कर सकते हो कंटेंट की यही वाली बात करेंगे, बट कई बार आप नहीं कर सकते, मतलब इसमें ना फिर वो जैसे रेडियो और कैसेट में फ़र्क क्या है, या सीडी में आप इसको लगाते हैं और आप सुनते हैं, वेयर एज रेडियो लाइव बिल्कुल फ्रेश फीलिंग देता है कि एज दम पता नहीं बिल्कुल सब्जी मंडी से फ्रेश उठाई हुई सब्जी वैसा वाला फील है। और एक कैसेट और सीडी ऐसी फीलिंग देता है कि हाँ ये बज रहेगा ना, कुछ अच्छा लगता है सुनने में, बट वो फ्रेश फीलिंग नहीं आती। वाई? बिकॉज उसमें जो कंपोनेंट है रेडियो में वो है कई लोग जो उन गानों को प्ले कर रहे हैं, वो आपसे बीच में बात करते हैं, तो वैसे ओके। चलिए आफ्टर द लंच बात की जाएगी, अंटिल देन हैव अ वंडरफुल लंच।